कोलकाता का आरजी कर हॉस्पिटल का केस, डॉक्टर जो लोगों की जान बचाते हैं, पर कोलकाता में इतना शर्मनाक केस हुआ ये, जिसके बाद पता नहीं लड़कियां कहाँ सेफ होंगी। 31 वर्षीय मोमिता एक ट्रेनी डॉक्टर जो 36 घंटे की शिफ्ट देकर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में थोड़ी देर के लिए आराम करने गई थी और वहाँ उनके साथ दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म के बाद उन्हें कड़ी बेदर्दी के साथ मार दिया गया और इतना सब होने के बाद भी उनके पेरेंट्स को ये बताया जा रहा है कि आपकी लड़की ने सुसाइड किया है। इसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। आई प्रॉमिस यू दैट नॉट अ ग्रेन ऑफ द वर्ड्स आई अटर टुडे इज अ लाई। इन फोटोज और इस वीडियो को देखकर कौन कहेगा कि ये एक सुसाइड है? पता नहीं इसमें कितने बड़े नेताओं का हाथ है, पर अगर ये सुसाइड होता तो जिस सेमिनार हॉल में मोमिता के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उनकी हत्या की गई बाद में, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम क्यों शुरू कर दिया अगले ही दिन से? सारे एविडेंस क्यों मिटाए गए थे 9 अगस्त के दिन जो घटना हुई? पहली बात तो ये, 3 घंटे लेट विक्टिम के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया, उसके बाद भी जब विक्टिम के पेरेंट्स अपनी बच्ची को लेने आए तो उन्हें उसके बाद भी 3 घंटे और वेट करवाया। और डॉक्टर की रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि एक इंसान का सीमन सिर्फ 15 ग्राम्स होता है, पर विक्टिम की बॉडी में 150 ग्राम्स सीमन मिला है। लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, किस बात का इंडिपेंडेंस डे? इस देश में जहाँ एक लड़की अपनी वर्क प्लेस पर ही सेफ नहीं है, वहाँ कैसा इंडिपेंडेंस डे? लोग सिर्फ मोमबत्तियाँ लेकर निकल रहे हैं रोड पर, कितने दिन? हमारा पूरा देश जानता है कि यूपी की सरकार कैसे चलती है। क्या पूरे देश के 29 स्टेट्स मिलकर इतनी छोटी सी समस्या को हल नहीं कर पाएंगे? किस काम की फिर ये सरकार? भारत में लोकतंत्र चलता है, नारी का सम्मान, क्या ये सब दिखावे के लिए है? बस जब कोई लड़की अपने वर्क प्लेस पर ही सेफ नहीं है तो फिर वो कहाँ सेफ होगी? जो लोग भी सोशल मीडिया पर ये बोल रहे हैं प्राउड टू बी इंडियन, नहीं बनता बोलना, सीरियसली नहीं बनता। हमारा भारत आज़ाद है पर लड़कियाँ अभी भी आज़ाद नहीं। 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, बट वेयर इज द हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में ना कोई CCTV था, और अगर होगा भी तो क्यों से हटाया नहीं गया होगा? ये गैंग रेप था और पता नहीं इसमें कितने बड़े लोगों का हाथ है। इनके खिलाफ कोई भी ना बोलने के लिए तैयार है और ना ही कोई लड़ने के लिए, बस लोग रोड पर मोमबत्तियां लेके निकल रहे हैं और कितने ही दिन निकलेंगे। इनफैक्ट हॉस्पिटल के बाहर जब डॉक्टर्स धरना कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, तभी जिन लोगों का इस केस में हाथ है, जिन बड़े लोगों का, उन लोगों ने 1000 गुंडे भेजे ताकि उनकी पूरी हड़ताल को ख़राब कर दिया जाए, मारपीट की वहाँ पर। और कितने दिन इस केस में हाइप रहेगी और उसके बाद फिर गुमनाम हो जाएगा। आजकल लोग अपने स्टेटस पर, इंस्टाग्राम स्टोरी पर, हर जगह ये स्टेटस लगा रहे, स्टोरी लगा रहे, पर कितने दिन? और इन सबसे क्या होगा? अगर उस पूरी भीड़ में कोई भी नहीं है इन सबसे लड़ने के लिए तो बेकार है यार ये सब, ये मोमबत्ती लेकर घूमना, ये हड़ताल करना। क्या लगता है सरकार कितना साथ देगी? और अब तक कितने ही रेप केस ऐसे हुए जिनमें विक्टिम की फैमिली को इंसाफ मिला हो, जस्टिस मिला हो? हम सब भारतवासी हैं, सब जानते हैं कि हमारे देश की सरकार कैसे काम करती है। क्या ऐसे केस में माफ़ी की कोई जगह होती है? क्या केस को जितनी ईजिली हैंडल किया जाता है रेप केस में, क्या ज़रूरत है उसकी? यूपी के CM श्री आदित्यनाथ योगी, जो हमारे देश की बहनों बेटियों के रक्षक हैं, वही हैं सिर्फ एक असली नेता। बाकी कोई भी इस देश में कोई भी असली नेता नहीं है। अगर हमारे देश की सरकार हमारे देश की महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को ही सेफ नहीं कर पा रही तो किस बात की सरकार? क्या आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होता रहेगा हमारे देश की महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ? अगर यही सब होना है तो सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की के पास एक गन होनी चाहिए खुद को बचाने के लिए, क्योंकि बाद में कोई कुछ नहीं करेगा, ना ही उसकी फैमिली को जस्टिस मिलेगा। और जस्टिस मिलने का क्या फ़ायदा जब इंसान ही नहीं है? जब भी किसी लड़की पर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे वो गन उठाकर सीधे मार देना चाहिए सामने वाले को, खुद को बचाने के लिए। अगर खुद को इस दरिंदगी से बचाना है तो खुद के लिए खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। मोमिता गैंग रेप हुआ है, सिचुएशन देखी है डेड बॉडी की, थोड़े दिनों बाद यही होगा ना ही इस केस में कोई कुछ कर पाएगा, वापस से सरकारें अपना काम करने लगेंगी, कुछ भी नहीं होगा। ये हाइप, सोशल मीडिया की हाइप,
थोड़े दिन बाद बंद हो जाएगी। हर कोई अपनी स्टोरी पर सिर्फ अपनी फोटोज वीडियोज लगाएगा, अपने प्रमोशंस लगाएगा, किसी को कोई मतलब नहीं होगा कोलकाता के केस से, किसी को भी नहीं। संजय रॉय जो कि इस केस का मेन सस्पेक्ट है, उसकी खुद की माँ ने ये बोला, एक माँ के नाते आप उसको बचाना चाहती हैं या उसको सजा देना चाहती हैं? है, बचाना तो जरूरी है। अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले दिनों में ना हमारे देश में महिलाओं के लिए आज़ादी रह जाएगी और ना ही कोई आज़ाद। लड़कियाँ, औरतें, बच्चियाँ घर से बाहर निकलने में डरेंगी। किस काम की आज़ादी जब हमारे यहाँ महिलाओं को खुद को सेफ रखने के लिए भी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। डॉक्टर्स लोगों की जान बचाते हैं, और उसने कौन सा बड़ा पाप कर दिया था? 36 घंटे की ड्यूटी देख के थोड़ा आराम ही तो करना था उनको। जिन लोगों को रक्षा करनी चाहिए वही लोग भक्षक निकलते हैं। इस चीज़ के बाद ना ही कोई फैमिली अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने भेजेगी, और डॉक्टर बनने के लिए तो उन्हें सोचना पड़ेगा खुद भी। और अगर आज के टाइम में सोशल मीडिया ही इतना ज़्यादा पावरफुल है तो यह लोगों को ही दिखाना पड़ेगा, ना कि सिर्फ एक हफ्ते के हाइप के बाद इस केस को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। अगर अब इस केस में कुछ नहीं हुआ तो सीरियसली आगे कितना भी बुरा हो जाए लोगों के साथ तब भी कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया बस सोशल मीडिया ही रह जाएगा। थोड़े दिन हाइप पे जाती हैं चीज़ें, उसके बाद सब भूल जाते हैं। किसी को भी याद नहीं रह जाता क्या चल रहा है, याद दिलाना पड़ता है। इसीलिए दिस इज़ द इम्पोर्टेंट। सोशल मीडिया है अगर तो सोशल मीडिया की पावर भी दिखानी होगी। एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, डेली।